मेरा नाम है सूरज योगी और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो, जिसमें आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये पेन है। आपने ऐसा पेन देखा होगा, ठीक है। देखिए पूरा पेन से ये पूरा स्क्रीन काम कर रहा है। आपने ऐसा पेन बहुत सारे मोबाइल में, जो बहुत हाई रेंज के जो फ़ोन आते हैं बहुत महंगे वाले, उसके अंदर ऐसा पेन होता है, ठीक है। लेकिन क्या आपको ये पता है ये पेन हम घर पे भी बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो आप प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए, मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। मुझे थोड़ा सिखाने में टाइम लगेगा, लेकिन आप जब खुद सीख लोगे तो आप देखोगे आप खुद एकदम फटाफट उसको खुद 5 मिनट के अंदर अंदर आप बना लोगे। इसको बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो मैं आपको समझाऊँगा ये कैसे बन रहा है। आप देखिए किसी भी चीज़ को आप खोल सकते हो, ये खोल गया, उसको बैक कर सकते हो, ठीक है। ओरिएंटेशन वापस में वापस ठीक कर देता हूँ। आप कुछ भी दे लो, सपोज़ कि मैं यहाँ पे एक बोर्ड चालू करता हूँ, मेरा ये बोर्ड ओपन हो चुका है। अभी इसके ऊपर मैं ये पेन से लिख के दिखाता हूँ ये कैसा लिखता है। देखिए एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। तो ये पेन कैसे बनता है वो मैं ये इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे वीडियो पे। आप एक बार ये वीडियो देख लोगे तो आप भी 10 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा पेन बना सकते हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर करिएगा। अभी हम पेन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम जो बनाने जा रहे हैं इस पेन को हम स्टाइलस पेन बोलेंगे, बराबर। ये पेन को स्टाइलस पेन बोला जाता है। और ये पेन बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या क्या चाहिए, एकदम सिंपल सा आइटम है, कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए इसके अंदर हमको। ये कॉटन है जिसको हम रुई बोलते हैं। फिर ये है पेन, कोई भी पेन होगा वो चलेगा, हमको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बराबर इसके अंदर। फिर एक छोटा सा सुई जैसा कुछ अगर आपके पास है तो वो। फिर ये एक वायर है, ये वायर है, ये कॉपर का वायर है, ध्यान से सुनिएगा, ये कॉपर का वायर, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये कॉपर का वायर है। उसके बाद मैंने एक थोड़ा पानी लिया इसके अंदर, ये पानी चाहिए हमको। तो अभी हम ये पेन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। पेन में हमको करना क्या है, ये देखिए ये पेन जो है मैंने इसको यहाँ पे एक हल्का सा होल किया है। ये होल आप किसी भी नीडल से उसको गर्म करके यहाँ पर ऐसे होल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ये नीडल कैप खोल देना है। ये कैप खोल के निकाल लिया। उसके बाद हमको करना क्या है, ये जो हमारा कॉपर का जो वायर है उसको इसके अंदर से बाहर निकालना है। इसके अंदर यहाँ पे डालेंगे और इसके आगे से उसको निकालना पड़ेगा। ये निकल चुका है। उसके बाद ये देखिए ऐसे करना है आपको, एक मुँह ऐसे इधर आएगा, एक इधर आएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो कैप है कैप के अंदर से ये निकाल देना है वायर इधर, और ज़्यादा नहीं निकालना है, इतना ही निकालना है। इतना निकालने के बाद इसको ऐसे बैंड कर देना है, ठीक है। अभी इसको आप बैंड कर लीजिए। अभी ये जो है कैप के अंदर हम थोड़ा रुई लगाएंगे, ये जो कैप है उसके अंदर हम थोड़ा रुई लगा रहे हैं। ऐसे नोकीला कोई आपके पास है नीडल तो उससे आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे बंद कर दीजिए, ये हो गया बंद, ठीक है। अभी यहाँ पे इतना हल्का सा ये निकला हुआ है। अभी हमको करना क्या है, हमको एक दूसरा कॉटन लेना है, थोड़ा और कॉटन लूँगा मैं, और इसको एक ऐसे जैसे हम दिया बनाते हैं बाती, वैसे हमको इसको ऐसे करना है, थोड़ा पानी वाला करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और करना होगा। और फिर इसको हम ये जो आगे का जो भाग है वहाँ से उसको नीडल के थ्रू, ये नीडल से उसको अंदर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको करना क्या है, कैंची लेंगे एक छोटा सा और उसे उसको थोड़ा काट देंगे। ऐसे आपको उसको काट लेना है, हो गया।
फिर आपको ये करना क्या है, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके अंदर हमको ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का सा दो बूंद पानी इसके अंदर मिला सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना, उसको थोड़ा सा हल्का सा वेट करना है यहाँ पे, एकदम हल्का सा, बराबर। हाँ, अभी हम क्या करेंगे, हमारा मोबाइल लेंगे, अभी मेरा मोबाइल ऑन हो चुका है, अभी मैं देखते हैं अभी ये पेन हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमको ये पेन चलाते समय एक बात खास ध्यान रखना है कि ये जो कॉपर का वायर जो निकला हुआ है, ठीक है, ये हमारे हाथ को टच होना चाहिए, ठीक है। अभी ये इसको मैंने थोड़ा पानी एक बूंद या दो बूंद पानी इसको लगाया है, अभी ये जो कॉपर वायर है वो हमारे हाथ को टच होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम चेक करेंगे अभी। हाँ देखिए कर रहा है काम, मैं अपना स्क्रीन को आगे पीछे मूव कर पा रहा हूँ। अभी एक काम करते हैं, मैं कोई सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, एक ये विजुअल बोर्ड मैंने डाला हुआ है, इसको मैं चालू करता हूँ, थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से दिखेगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, देखिए एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, आपको कुछ भी करना है आप कर सकते हो आराम से, एकदम इजीली चल रहा है, तो बहुत ही ईजी है इसको बनाना, आप भी अपने घर पे बना सकते हो, सिर्फ 5 या 10 मिनट में आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, आपको कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। देखिए आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैंने हम जब भी मैं ऐसे नए वीडियो लेके आऊँ तो आपके उसके लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।